आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे तृतीय पाद सुक्ति सुधा। यह कंठस्थी कर्णार्थम है, मतलब इसको बाराड़ भी करना है, इसको ओरल्स में पूछा जाता है और पेपर्स में ये फिलिंग करने के लिए भी आते हैं, दो दो मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपा अधिकम प्रचुन गुप्त दिनम, विद्या भोगकारी यश सुखकारी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या पर देवतम, विद्या राजस्व पूज्यन्ते न तु धनम, विद्याहीन विद्याविनहीन पशु। इसका अनव्य दिया है। अनव्य में क्या होता है, जो श्लोक दिया है उसको प्रॉपर संस्कृत के सेंटेंस में फ्रेम करके लिखते हैं। विद्या नाम नरस्य अधिक रूपम, मतलब जो विद्या होती है वो मनुष्य का एक अधिक सौंदर्य होती है, बाह्य सौंदर्य से भी जो विद्या होता है उसका सौंदर्य अधिक होता है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, प्रच्छन्न मतलब अत्यंत सुरक्षित और गुप्त मतलब छुपाया हुआ उसका धन होता है विद्या। विद्या भोगकारी यश सुखकारी, अगर आपके पास विद्या है तो भोगकारी मतलब उपभोग, मतलब विद्या के कारण हमें पता चलता है किसी भी चीज़ का यूज कैसे करना है या फिर कैसे बर्ताव करना है, विद्या की वजह से पता चलता है। विद्या भोगकारी यश, यश मतलब कीर्ति, विद्या के कारण हमको समाज में कीर्ति मिलती है, सुख मिलता है, सम्मान मिलता है, सब विद्या के कारण मिलता है। विद्या गुरु नाम गुरु, और जो विद्या होती है वो हमारे गुरु की भी गुरु होती है। विद्या बंधुजनो विदेशी गमने विद्यम पर देवतम, विदेश गमने मतलब जो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं फिर जो परदेश में जाते हैं उनके लिए जो विद्या होती है वो बंधुजन मतलब रिलेटिव्स की तरह होती है, रिश्तेदार की तरह। अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो हमारी जो विद्या होती है, ज्ञान होता है हमारा, वो हमको वहाँ पर हेल्प करता है रहने के लिए या फिर उनसे बातचीत करने के लिए। विद्या पर देवतम, और विद्या भगवान की तरह है। विद्या राजस्व पूज्यन्ते न तु धनम, जो राजा लोग थे वो भी विद्या को पूजा करते थे, विद्या को सम्मान दिया करते, न तु धनम ना ही धन मतलब पैसे को जितना मूल्य नहीं था उससे ज्यादा मूल्य विद्या को है। विद्या विहीन पशु, और विद्या के बिना मतलब विद्या के बिना जो मनुष्य है वो एक पशु ही है। तो क्या बोलते हैं कि जो विद्या होती है वो मनुष्य का सर्वत मतलब बहुत अच्छा सौंदर्य होती है, और एक वो अत्यंत सुरक्षित और छुपाए हुए ऐसा मनुष्य का धन होता है, बाह्य सौंदर्य से भी अधिक विद्या का बहुत मूल्य होता है। विद्या भोगकारी यश सुखकारी, और विद्या जो होती है उससे हमें उपभोग मिलता है कि वस्तुओं को या फिर कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो विद्या की कारण समझ में आता है, उससे हमें समाज में कीर्ति मिलती है, सुख मिलता है, सम्मान प्राप्त हो जाता है। और जो विद्या होती है वो हमारे गुरु की भी गुरु होती है, और अगर हमारा कोई जो रिश्तेदार होता है वो आउट ऑफ इंडिया चले जाए विदेश गमने तो उधर उसको विद्या उसकी हेल्प करती है, उनके साथ बातचीत करने के लिए, उधर रहने के लिए। विद्या पर देवतम, और जो विद्या है वो हमारे घर में भगवान की तरह है, पर देवतम। विद्या राजस्व पूज्यन्ते, और जो राजा लोग थे वो विद्या को पूजा करते थे, उसका सम्मान किया करते थे, न तो धनम ना ही पैसे को मतलब धन को, धन से भी उसको धन से भी अधिक मूल्यवान वो विद्या को मानते थे। विद्या विहीन पशु, और जो मनुष्य होता है वो विद्याविहीन पशु होता है। आगे लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि स्तुवन्तु लक्ष्मी समाच्छतु गच्छतु वा इतेष्टम, अदैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायतपथ प्रवचलन्ति पदनधिरा। इसका अन्य में लिखा है, यदि नीति निपुणा निंदन्तु सत्वन्तु वा लक्ष्मी समाविच्छन्तु वेतेष्टं गच्छतु वा मरणम् अद्य एव अस्तु युगांतरे वा तथापि धीरा न्यायपतः पदन प्रवचलन्ति। म्हणजे जो नीतिनिपुणा लोग होते, नीतिशास्त्रात पारंगत असलेले, जो मतलब जो एक जो समाज में जो मर्यादा होती है उसकी तरफ से बर्ताव करते, या फिर जो मनुष्य को गुण अर्पित करने चाहिए उसकी तरह जो बिहेव करते हैं, ऐसे लोग जो नीतिशास्त्रात पारंगत होते उनको बोला है, वो निंदा करे मतलब हमारी बुराई करे वा स्तुवन्तु या फिर हमारी स्तुति करे, प्रशंसा करे, तारीफ करे। लक्ष्मी समाविच्छतु, समाविच्छतु मतलब स्वइच्छे, जो लक्ष्मी है वह स्वइच्छे से आए, यथेष्ट मतलब आना, अपने वो स्वइच्छे से आ भी सकती है, और गच्छन्तु मतलब जाना और जा भी सकती है। अदैव मतलब आज, आज वह मरणमस्तु युगांतरे वा मतलब आज अगर हमको मौत आई तो भी चल सकते हैं, फिर युगांतरे मतलब कुछ समय के बाद अगर मौत आई तो वो भी चल सकता है। न्यायपथ प्रवचलन्ति पदनधिरा, जो लोग सज्जन लोग होते हैं जो न्याय के पद पे चलते हैं वो कभी भी अपने न्याय का जो रास्ता होता है न्याय का वो कभी छोड़ते नहीं है, उसी पद पर चलते रहते हैं। तो स्टार्टिंग से एक बार, जो लोग नीति शास्त्र में पारंगत होते हैं
समाशी मनेदा मनेकर बर्ताव करते ऐसे लोग हमारी बुराई करे मतलब निंदा करे या फिर हमारी स्तुति करे प्रशंसा करे अच्छाई या फिर जो लक्ष्मी होती है वो स्वइच्छे से समाविष्ट मतलब स्वइच्छे से आए या फिर तेष्टा मतलब आना गच्छतु मतलब जाए स्वइच्छे से जाए और अदेववा मरणमस्तु मतलब अगर हमको मृत्यु आ जाए या फिर कुछ समय के बाद है जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा नायक के रास्ते पे चलते हैं वैसे लोग कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में कभी भी नायक के पद से अपना पैर इधर उधर नहीं डालते वो हमेशा अपना जो रास्ता होता है नायक का उसके ऊपर ही चलते रहते हैं। ये था सेकंड श्लोक। थर्ड श्लोक है आत्मनो मुख दोषिणी बध्यन्ते शुक सारिखा बकास्त्रण बध्यन्ते मौन सर्वात साधन। इसका मीनिंग है आत्मनो मतलब खुद के मुख दोषिणी खुद के मुख के दोष के कारण बंधन दे मतलब बन जाना पिंजरे में शुक सारिका शुक मतलब पोपट और सारिका मतलब मैना जो सारिका और मैना होता है वो खुद के मुख के दोष के कारण पिंजरे में बन जाते हैं। अभी ऐसा क्योंकि जो पोपट और मैना होती है उनका आवाज बहुत सुरीला होता है उनकी कलर से अच्छे होते हैं पोपट का तो स्पेशली तो लोग उनको पिंजरे में बंद कर देते ताकि वो उनका कलर से उनकी आवाज सुन सके इसलिए उनको पकड़ा जाता है। बकास्त्र न बंधन थे मौन सर्वात साधन किंतु जो बकास्त्र मतलब बगुला होता है बगला क्रेन उसको कोई अपने पिंजरे में नहीं पकड़ेगा क्योंकि उसकी आवाज इतनी सुरीली भी नहीं है और उसके कलर से इतने अच्छे भी नहीं है इसलिए वो मतलब उसका जो मौन होता है वो सर्वात साधन है मतलब कभी कभी चुप रहना भी हमारे फायदे के लिए हमारे हित में होता है। इसलिए उन्होंने बोला है आत्मना मुख दोष है मतलब खुद के मुख दोष के कारण शुभ सारिका पोपट और मैना पिंजरे में बन जाते हैं किंतु जो बगुला होता है वो बच जाते क्योंकि उसकी आवाज इतनी सुरीली नहीं होती या फिर वो मौन साधन धारण कर लेता है। तो लेखक जो श्लोक में बोला गया है कि अगर हम मौन धारण करते हैं कभी कभार तो वो हमारे हित के लिए होता है हमारे स्वार्थ के लिए होता है जो हमें फायदेमंद होता है। इसका भी लिखा है उन्होंने अन्वय शुक सारी कहा आत्मन मुख दोषिने बंधनते तत्र बका न बंधनते मौन सर्वात साधन मतलब जैसे पोपट और मैना अपने मुख दोष के कारण बन जाते हैं वैसे बकुला नहीं बन जाता तो कभी कभी शांत रहना भी हमारे हित में होता है। अभी हमने तीन श्लोक देखे उसकी जो अनव्य है वो आपको रीड मतलब बाहर करना पड़ेगा क्योंकि जो श्लोक है और उसका जो नीचे लिखा है संस्कृत में सेंटेंस फ्रेम करके तो वो कभी कभी पूछते ही एग्जाम में एक ही पूछते तो मतलब टू आउट ऑफ वन तो दोनों में से एक लिखना होता है तो उसमें आपको बाहर करना पड़ेगा क्योंकि वो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है कि खुद से वो सेंटेंस फ्रेम करें। तो फोर्थ वन है रथस्य चक्रम भुजे गिता सप्त तुरगः निरालंबो मार्ग चरण विकल सारथी अपि रवि याजते वांतम प्रतिदिनम अपारस्य नभसः क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे। तो हम इसका अनव्य खूब पढ़ लेते हैं। रथस्य एकम चक्रम सप्त भुजे गिता तुरगः निरालंबः मार्ग सारथी अपि चरण विकल रवि प्रतिदिन अपारस्य नभस अंतम याति एव महता क्रिया सिद्धि सत्वे भवति उपकरणेन भवति। मतलब क्या रथस्य एकम चक्र मतलब जो रथ है उसका उसके दो चक्र होते हैं इसके जरूरत में सिर्फ एक ही चक्र है भुजेगा मिता और सर के लगाम से जो सप्त तुरगा तुरगा मतलब घोड़े तो जो उस रथ के साथ घोड़े है उसको उसने किससे लगाम दिया है सर्पक के लगाम से उसको उन्होंने कंट्रोल में रखा है चक्र के साथ रथ के साथ घोड़ों को। निरालंबो मतलब जो मार्ग भी है वो कैसे अंधकार भरा है मार्ग चरण विकल और जो सारथी होता है सारथी अभी मतलब जो रास्ता दिखाने वाला होता है रथ को वो जो सारथी वो भी चरण विकल है मतलब वो भी विकलांग है हैंडीकैप्ड है। रवि यात्ते वांतम प्रतिदिन अपारस्य नभसः फिर भी जो रवि है सूरज है वो जो नभ मतलब आकाश के अपार मतलब अंत जिसका अंत नहीं हो सकता ऐसे आकाश के लास्ट के एंड तक जाता है हर रोज स्टार्टिंग टू एंड जाता है तो बोलते क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता न उपकरणे मतलब जो क्रिया सिद्धि है मतलब हम क्या कर सकते हैं वो हमारे कार्य मतलब कर्तृत्व पे डिपेंड होता है मतलब हमारी इतनी कैपेबिलिटी है क्या वो काम करने की भवति महता न उपकरणे ना कि उपकरणे मतलब हमारे क्या हमारे पास कौन से टूल्स है या फिर कौन से साधन है इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता हमारे कर्तृत्व पे डिपेंड करता है कि हम वो काम कर सकते हैं या नहीं। तो क्या बोलते हैं जो रथ है
उसका एक ही चक्र है और जो 7 घोड़े हैं वो सबके लगाम से उन्होंने कंट्रोल में रखे हैं और रास्ता भी अंधेरा भरा है और जो सारथी है जो उसको दिशा दिखाता है उस रथ को वो भी चरण विकल है, मतलब वो भी हैंडीकैप है। फिर भी जो रवि है सूर्य है वो हमेशा हर सुबह प्रतिदिन हर दिन आकाश के अपार अनंत जो है आकाश उसके स्टार्टिंग टू एंड से जाता आता रहता है अपना मार्ग, मतलब जो भ्रमण है वो करता है। तो वो बोलते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं श्रेष्ठ लोग उनकी जो क्रिया सिद्धि होती है मतलब कार्य करने की क्षमता वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वो काम कर सकते हैं या नहीं, या इसके ऊपर नहीं कि हमारे पास कौन से साधन है, फिर हम क्या टूल्स हमने यूज किए इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होता। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है क्या उसके ऊपर हमारी क्रिया सिद्धि हम क्या कर सकते हैं वो डिपेंड होता है। तो नेक्स्ट श्लोक है अल्पनामपि वस्तुनां सहति कार्यसाधिका तुरने गुणतम आपने बद्धन्ते मतदन्तिनः। उसका अन्वय है अल्पनाम वस्तुनाम अपि सहति कार्यसाधिका यथा गुणतम आपने तुरने मतदन्तिनः बंधयन्ते। मतलब अल्पनाम किसी चीज को हम फालतू समझते कि ये कुछ काम का नहीं है, तो ऐसी चीजें वस्तु ना मतलब चीजें सहति मतलब एक जब वो एकत्र मतलब इकट्ठा हो जाते हैं ऐसी चीजें तो उनकी जो कार्य होता है मतलब वो कुछ भी काम कर सकते जब वो इकट्ठा हो सकते हैं। तो फिर आगे बोला है तुरने गुणत्वम आपने बनन्ते, तुरना मतलब घास, जो घास के डंठल होते हैं छोटे छोटे अगर तुम उसको आपस में बांध दो एक दूसरे के साथ और उससे एक दौर बना दो तो क्या हो जाएगा उस दौर से हम मतदंती न मतलब हत्ती और मत मतलब माजे लाते उस हत्ती को भी हम बांध सकते हैं उस घास के डंठल से अगर हम उसको एक साथ जोड़ेंगे और उससे दौर बनाएंगे दौर खंड तो हम उस हत्ती को भी बांध सकते हैं। वैसे ही जो हम चीजें फालतू समझते हैं कि ये चीज किस काम की नहीं है वैसे अगर उससे हम कुछ क्रिया कर सकते उसको इकट्ठा करके तो उसका जो कार्य होता है वो भी हमारे लिए हित में होता है उपयुक्त हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि वो घास के डंठल अगर हम एक साथ बांधेंगे तो उससे दौरखंड निर्माण हो जाएगा और उस दौरखंड से हम किसी भी हत्ती को बांध सकते हैं मादेला हत्ती तो फिर वो हमारे उपयुक्त हो जाते हैं। वैसे ही बोला इसमें जो संधि है अभी हम स्वाध्याय में देख लेते हैं बड़ी है। नेक्स्ट है प्रथम वयसि पितम तोयम अल्पम स्मरन्तः शिरसि निहित भाराम नारिकेला नराणाम ददति जलम अल्पना स्वादम जीवन जीवितानां नहि कर्तुम उपकार साधो विस्मरन्ति। इसका अन्वय है प्रथम वयसि पितम अल्पम तोयम स्मरन्तः शिरसि निहित भाराः नारिकेला आजीवितानां नराणाम निरभ्य अल्पना स्वादनम जलम ददति साधव कर्तुम उपकार नहीं विस्मरन्ति। प्रथम वयसि मतलब बचपन में या फिर स्टार्टिंग अपने लाइफ के स्टार्टिंग में पित तोयम अल्पम स्मरणतः पित मतलब पीना तोयम मतलब जलम स्मरणतः मतलब याद करना जो नारियल का वृक्ष होता है जब वो छोटा होता था हम उसको पानी देते तो वो याद रखता है कि जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे पानी दिया था तो वो चीज याद रखता है। शिरसी नीत भारा नारिकेला नराना नारिकेला मतलब नारियल और शिरसी मतलब सर नीत भारा मतलब भार लेना नराना मतलब मनुष्य तो फिर वो नारियल का वृक्ष वो चीज को याद रखता है कि मनुष्य ने मुझे जब छोटा था तब वो उन्होंने मुझे पानी दिया था तो क्या करता है जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने सिर पर नारियल का भार लेकर खड़ा हो जाता है ताकि वो मनुष्य को नारियल का जो मीठा पानी है उसका स्वाद दे सके। जब तक वो जिंदा है उसके एंड तक जब तक वो कट नहीं जाता है तो अपने मन नहीं जाता वो पेट उसके अंत तक वो मनुष्य को मीठा पानी देने की कोशिश करता है। ददति जलम अल्पना स्वादम जीवन तातनम मतलब जीवन के अंत तक ददति मतलब देना जलम अल्पा स्वादम मतलब वो मनुष्य को उसके जीवन के अंत तक मीठा पानी देने की कोशिश करता रहता है। नहीं कर्तुम उपकार साधव वो विस्मरन्ति कर्तुम उपकार मतलब जो अच्छे लोग होते हैं साधव वो मतलब सज्जन लोग जिनके ऊपर हम उपकार करते हैं मतलब जिनकी हम मदद करते हैं ऐसे जो सज्जन लोग होते हैं वो कभी भी उस उपकार को भूलते नहीं और इंडिटर हमारी मदद करते नहीं करतुम उपकार हम साधु विस्मरन्ति मतलब भूल जाना जो अच्छे लोग होते हैं उनके ऊपर जो किए हुए उपकार होते हैं फिर उनको की हुई जो मदद होती है वो अच्छे लोग कभी भूलते नहीं है। जैसे नारियल का वृक्ष जब वो छोटा होता है तो हम उसको पानी देते हैं और वो पिया हुआ पानी वो कभी भूलता नहीं कि मनुष्य ने मुझे पानी दिया था इसलिए जब वो बड़ा होता है तो अपने
सिर पर नारियल का भाले के खड़ा हो जाता है ताकि वो मनुष्य के लिए, नरना मतलब मनुष्य को अपना जो मीठा पानी है वो दे सके उसके जीवन के अंत तक। उसी प्रकार सज्जन लोग होते हैं, अगर किसी अच्छे भले इंसान पर आपने मदद की, उपकार किया, तो आपको लाइफ टाइम तक वो भूलेगा नहीं, और जब आप किसी संकट में आओगे तो आपकी मदद जरूर करेगा। तो लास्ट श्लोक है, घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात कुर्यादा स भरोनम एन केन प्रकार प्रसिद्धि पुरुषो भवेत। घटम मतलब मटका, भिंद्यात मतलब उसको फोड़ना, पटम मतलब कपड़ा, छिंद्यात मतलब फाड़ना, कुर्यात मतलब गधा, रोहनम मतलब चढ़ना, गधे के ऊपर चढ़ना, एन केन प्रकार मतलब किसी न किसी प्रकार से फिर तरीके से प्रसिद्धि पुरुषो भवेत। तो क्या बोलते कि मटका फोड़ो या फिर कपड़ा फाड़ो या फिर गधे के ऊपर बैठकर घूमो गांव भर, किस न किसी प्रकार से मतलब मनुष्य को कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए। किस लिए? तो प्रसिद्धि पुरुष भवत मतलब अपने लाइफ में प्रसिद्धि पाने के लिए, थोड़ा या फिर कुछ पाने के लिए, हासिल करने के लिए मनुष्य को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, उससे उसको प्रसिद्धि मिलती है। या फिर उस प्रसिद्धि के लिए मटका फोड़े, कपड़ा फाड़े या फिर गधे के ऊपर बैठ कर घूमे, कुछ भी करे तो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। इसका अनव्य है पुरुष घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात रास भोरणम अपि कुर्यात् एन केन प्रकारेण सह प्रसिद्धि भवेत्। मतलब क्या, कुछ भी करो लाइफ में, सही या गलत वो नहीं, मतलब सही करना चाहिए तो कुछ भी करो, पर अपनी लाइफ में प्रसिद्धि पाने के लिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। तो अभी हम इस पोयम का या फिर सुक्ति सुधा का भाषा अभ्यास देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य ने उत्तर, श्लोक वन पे डिपेंड है पूरा। उसमें है पहला क्वेश्चन, का गुरुनाम गुरु मतलब गुरु की भी गुरु कौन है, इसका आपको आंसर मिलेगा पहले श्लोक में, विद्या गुरुनाम गुरु मतलब जो विद्या है वो गुरु की भी गुरु है, तो ये लिखे विद्या गुरुनाम गुरु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व न पूजन्ते, कि मतलब क्या राजस्व मतलब राजा लोग न मतलब नहीं, पूजन्ते मतलब पूजा नहीं करते, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी राजा पूजा नहीं करते, तो इसका आंसर मिलेगा श्लोक वन में, विद्या राजस्व पूजन्ते न तो धनम, मतलब क्या जो विद्या है वो राजा लोग उसकी पूजा करते हैं, न तो धनम मतलब पैसे की पूजा नहीं करते लेकिन विद्या की पूजा करते हैं। अगर आप नवनीत का राजस्व फॉलो करते हो तो इसमें इसका आंसर रॉन्ग लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है विद्या राजस्व न पूजन्ते, इसका मीनिंग होता है कि जो राजा लोग है विद्या को पूजते नहीं है, पर बुक में लिखा है कि विद्या फिर बुक में लिखा है कि राजा लोग विद्या को पूछते हैं, सम्मान देते हैं, धन को नहीं, पैसे को नहीं, इसे मैंने लिखा है धनम राजस्व न पूजन्ते, मतलब राजा लोग धन की पूजा नहीं करते। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि राजस्व पूजन्ते न नहीं होता तो विद्या राजस्व पूजन्ते वो सही होगा, पर न के कारण धनम आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कह पशु एवं, मतलब कौन पशु है, तो विद्याविहीन पशु एवं मतलब जो लोग विद्याविहीन है जिनके पास विद्या ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, ऐसे लोग पशु की भांति जीवित रहे जीवन जीते हैं। फिर नेक्स्ट है एक चलो देखा चित्र कंप्लीट करना है डायग्राम, विद्या तो विद्या कौन है, विद्या प्रचन गुप्त धनम मतलब प्रचन मतलब अत्यंत सुरक्षित, गुप्त मतलब छुपाया हुआ धन है। फिर है गुरुनाम गुरु, विद्या जो है गुरु की भी गुरु है। फिर विद्या पर देवता, विद्या देव मतलब भगवान के समान है। विद्या नरस्य अधिक रूपा मतलब जो विद्या है वो एक मनुष्य का अधिक सौंदर्य है, मनुष्य का सौंदर्य और बढ़ती है विद्या। तो फर्स्ट श्लोक, तो श्लोक दूसरा है, दूसरा श्लोक है उसका जो स्वाध्याय है भाषा अभ्यास, इसमें टेबल है, इस टेबल को पूरा करना है। तो उन्होंने जो फिलअप किया है मैंने, तो उसमें हमको ऐसे कभी कैसे समझेगा कि इसमें यही आना चाहिए, तो तुमको श्लोक पहले रीड करना होगा। श्लोक नंबर सेकेंड, निंदन्तु नीति नुपुना, या फिर अगर वो भी पढ़ के नहीं समझ में आता है तो अनव्य देखने का कि कौन सा वर्ड स्टार्टिंग में है फिर कौन सा वर्ड बाद में, तो अनव्य में है नीति नुपुना निंदन्तु स्तुवन्तु, मतलब नीति नुपुना के बाद क्या था निंदन्तु मतलब निंदा करने बुराई करने, या स्तुवन्तु मतलब प्रशंसा करने, तो वो उस हिसाब से उस सिक्वेंसिंग में लिखा है पहला निंदन्तु बाद में स्तुवन्तु। फिर है लक्ष्मी समाविच्छतु गच्छतु वा एतेष्टम, उन्होंने ने सिर्फ लिखा था बीच में समाविच्छतु मतलब स्व इच्छे से जो लक्ष्मी है वो जाए, तो उधर उन्होंने लिखा है वैसे लक्ष्मी समाविच्छतु गच्छतु।
तो अनवय देखने का या फिर जो श्लोक है उसका सिक्वेंस देखने का कि आगे पीछे कौन है, वैसे इस टेबल में फिलअप करने का। फिर मरणम अदैव युगांतरे, उन्होंने क्या लिख के दिया है, अदैव। फिर उसके पहले कौन है, अनवय में मरणम अदैव, फिर बाद में है युगांतरे। तो उसे सिक्वेंस में लिखा है फर्स्ट टेबल में मरणम, फिर अदैव, फिर युगांतरे। अनवय देखो या फिर श्लोक देखो, सिक्वेंस जैसे है उनका आगे पीछे वैसे टेबल में फिलअप करना है। फिर है संधि, मरणम अस्तु, तो मरणम फिर प्लस अस्तु, तो इधर म हलंत है, फिर म प्लस पूरा म बनेगा, इसलिए इधर है मरणम अस्तु, इन दोनों को मिलाना था, ये सिंपल संधि थी। फिर है अदैव, अद्य प्लस एव, तो जब ऐसा आता है तो इधर दो मात्रा चले जाते हैं, सॉरी, तो ये स्वर संधि थी और बेसिक संधि थी। स्वर संधि में जैसे हम पढ़ रहे थे ना स्टार्टिंग में दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि के में आते थे ये सब, कब आगे पीछे कौन आता है, तो मात्रा आते है या फिर काना आता है या फिर उकार, तो इनमें से लोग थे स्वर संधि। तो नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में संधि में आंसर लिखना है। शुक्र सारिका केना बंधनते, मतलब शुक्र सारिका है, शुक्र मतलब मैना सॉरी पोपट, और सारिका मतलब मैना, तो वो किस कारण बनते हैं, पिंजरे में अटक जाते हैं, तो उसका आंसर मिलेगा आत्मा न मुख दोष ने बंधनते शुक सारिका, मतलब शुक या फिर सारिका जो है तेषा मुख दोष ने बंधनते, मतलब उनके मुख दोष के वजह से वो लोग पिंजरे में बंध जाते हैं। फिर है के न बंधनते, कौन है जो पिंजरे में नहीं बंध जाता, तो है बकहा, बकहा मतलब बगुला, बगुला जो है वो पिंजरे में नहीं बंध जाता। देखा आपने के न बंधनते, मतलब कौन नहीं बंध जाता। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था फर्स्ट श्लोक में उन्होंने पूछा था किम राजस्व न पूज्यन्ते, न मतलब नहीं, उसका मतलब न होता है, इसलिए उधर मैंने लिखा था धनम राजस्व न पूज्यन्ते। और अगर आप डायजेस्ट फॉलो कर रहे हो तो डायजेस्ट में लिखा है विद्या राजस्व न पूज्यन्ते, वो रॉन्ग आंसर है। फिर नेक्स्ट है संधि, बकास्त्र, बका प्लस त्रम, अभी जो इधर विसर्ग है तो उसका रूल है अगर विसर्ग के बाद इधर तो या फिर तो या स, इन दोनों में से कोई भी आएगा विसर्ग के बाद तो विसर्ग स में परिवर्तित होता है, हलंत स। हम लिखेंगे बका प्लस हलंत स प्लस त तत्र, हलंत स है त को जॉइंट होगा तो आएगा बकास्त्र। फिर आत्मनो मुख दोषण, मतलब आत्मा ना प्लस मुख दोषण है या वो, इसमें क्या होता है अगर विसर्ग के पहले स्वर हो इधर तो वो जो विसर्ग होता है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इधर पहले स्वर है न के अंदर अ होता है ना, वो है न प्लस अब पुराना, तो इसमें स्वर है, स्वर के कारण जो विसर्ग है वो ओ में बदलेगा, तो कैसे आत्मा न प्लस ओ प्लस मुख दोषेण, इसलिए आत्मनो मुख दोषेण। तो आगे है रवे रथ से किति तुरगा पति तुरगा संधि, रवे मतलब सूर्य, रथ से मतलब उसके रथ में, पति मतलब कितने, तुरगा मतलब घोड़े है, तो उसी जो सूर्य था उसके रथ में कितने घोड़े हैं, पति मतलब कितने, तो वो क्या बोलते हैं रथस्य चक्रम भुजैगमिता सप्त तुरगा, सप्त मतलब सात घोड़े, तो हमने लिखा रवे रथस्य सप्त तुरगा संधि, मतलब जो रवि है सूर्य उसके रथ में सात घोड़े हैं। फिर रवे सारथी की दृश्य अस्ति, कि दृश्य मतलब कैसा, जो रवि है उसका जो सारथी है जो उसको दिशा दिखाता है वो कैसा है, तो रवे सारथी चरण विग्रह अस्ति, मतलब वो विकलांग है, हैंडीकैप है। नेक्स्ट है संधि रतस्य एकम, रतस्य प्लस एकम, तो इधर दो मात्रा कैसे हुए, जब यह आता है तो ऊपर दो से मात्रा चली जाते ऐड हो जाता है, इसलिए रतस्य प्लस एकम, जो हमने पहले भी देखा था अदैव, अद्य प्लस एव, तो रतस्य प्लस एकम दोनों भी सेम संधि है। फिर आगे है सारथी रवि, तो सारथी प्लस अभी, तो इसमें क्या है अगर विसर्ग से पहले इधर
इधर अ या फिर आ से भिन्न स्वर आया, मतलब ई ई उ ए ऐ ओ अम, जो स्वर है बाकी के इन दोनों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आया इधर, तो और आगे स्वर सामने स्वर आना चाहिए या फिर किसी भी वर्ग का चौथा पांचवा वर्ण। अगर मैं इधर क वर्ग लिखा है तो ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, मतलब ये तीन व्यंजन आए, तो जो है विसर्ग है वो र में परिवर्तित होता है, मतलब आगे अ से भिन्न स्वर आना चाहिए और सामने स्वर या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इधर अभी स्वर है और इधर कौन सा स्वर है, ई है, सारथी, थ प्लस ई, मतलब ऐसा थ प्लस ई तो थी बन जाता है। इधर क्या है, ई है, अ से भिन्न स्वर है, तो जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित होगा, मतलब सारथी प्लस हलंतर र प्लस अपि, तो र प्लस तो पूरा र बनेगा, हलंतर र प्लस अ तो पूरा र बनेगा, सारथी अपि। याद रखो विसर्ग के पहले अ से भिन्न स्वर आना चाहिए और विसर्ग के बाद स्वर आना चाहिए या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का, तो जो है विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दम चित्वा तालिका पूरे, मतलब जो टेबल इसको कंप्लीट करना था, तो बुक में लिखा है निरालंब, तो मैं आगे कंप्लीट किया जो मैंने मंजूषा दी है, मार्ग सारथी एकम शब्द, उसको क्या मैच कर रहा था, तो मार्ग मतलब जो रास्ता था वो कैसे था, अंधेरा भरा था। सप्त तुला मतलब घोड़े कितने, सॉरी घोड़े कितने थे, तो सात थे। फिर चरण विकल सारथी, सारथी कैसा था, तो चरण विकल था, हैंडीकैप था। फिर चक्रम कितने थे, मतलब वो पहिए उस रथ के वो कितने थे, तो एक था पहिया, तो वही सब से स्टेबल कंप्लीट करना था। फिर इधर पूछा है रवे क्रिया सिद्ध हो प्रत्युला, मतलब जो रवि की जो क्रिया सिद्धि है उसने क्या किया, किस साधन से क्रिया सिद्धि की, तो उधर फिलअप बनने थे, रथस्य एकम मतलब उस रथ को कितने पहिए थे, तो एक पहिया था चक्र था। चरण विकला मतलब हैंडीकैप या फिर विकलांग कौन था, तो सारथी था, उसका सारथी विकलांग था। फिर सप्त तुरगा उसको किससे कंट्रोल किया था, किस लगाम से, तो भुजेगा मिता मतलब सर की लगाम से उस सात घोड़े को उन्होंने कंट्रोल में रखा था। फिर है इधर मार्ग, रास्ता कैसा था, तो निरालंब मतलब अंधेरा वाला रास्ता था। इस सब के बावजूद वो जो सूर्य है वो आकाश के अपार जो लास्ट तक है वो जाता आता रहता है, इसलिए उसकी क्रिया सिद्धि बहुत बड़ी है, तो इस सब ऐसे फिलअप करना था बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है का कार्य साधिका भवति, मतलब किसके कारण हमारे कार्य को एक साध्य मिलता है, हमारे कार्य पूरा हो जाता है, तो सहंती कार्य साधिका भवति मतलब एकत्र या फिर इकट्ठा अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा काम जल्दी पूरा हो जाता है, हमारा काम अच्छे से होता है। फिर नेक्स्ट है कई मददंती हम बंधनते, मतलब किसके कारण जो हत्ती है वो माजेला हत्ती, उसको हम बांध सकते हैं, बंधनते मतलब बांधना। गुणत्वम आपन है, त्रुणे है, मददंती न बंधनते, आपन है मतलब आपस में, त्रुणे मतलब घास, मतलब जो घास का गुण अगर हम उसको आपस में बांधेंगे तो उससे हम क्या बनाएंगे, एक डोरी बनाएंगे जैसा दोरखंड, तो उस दोरखंड से हम उस हत्ती को बांध सकते हैं, तो आपन है त्रुणे उस घास के दोरखंड से हम उस हत्ती को बांध पाएंगे। फिर नेक्स्ट है संधि अल्पनाम अपि, अल्माना प्लस अपि, म प्लस क्या होगा पूरा म बनेगा, स्वर संधि थी। फिर नेक्स्ट है तृण गुणत्व आपने बंधनते, तो तृण इधर क्या है विसर्ग है, और विसर्ग के पहले अ से भिन्न स्वर है, इन दोनों को छोड़ के इधर क्या है ये वाला स्वर है इधर, और आगे तीसरा व्यंजन है। अभी कैसे पता चला, क ख ग क वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो अगर विसर्ग के पहले अ से भिन्न स्वर आता है और विसर्ग के बाद इधर सामने स्वर या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता है, तो ये किसमें परिवर्तित होता है, हलंतर र में। तो हम इधर क्या लिखेंगे, तृण है प्लस हलंतर र प्लस गुणत्व, तो अभी ये र इस गु को जॉइन तो हो नहीं सकता, तो इसका ऊपर रफार बनेगा,
इसे इधर दिया है स्टार्टिंग में। फिर नेक्स्ट है आपन है, इधर भी सेम है, इधर विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ से भिन्न स्वर आया है, ये वाला स्वर आया है, और बाद में ये तीसरा वर्ण है प वर्ण का, प फ ब थर्ड वर्ण है, इधर भी एक थर्ड वर्ण था, तो क्या होगा विसर्ग का र होगा। अगर विसर्ग के पहले अ से भिन्न स्वर आए और विसर्ग के बाद स्वर या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर संकोच व्यंजन भी बोल सकते जैसे य र ल व ह स, इनमें से भी कोई भी आ जाता है तो विसर्ग का र होता है। इधर क्या होगा आपन नहीं प्लस र प्लस बद्धंते, तो अभी म प्लस आ मा बनेगा, इधर क्या आएगा इसको ज्वाइन कर देते हैं, म प्लस आ मा लिखा मैंने इधर, अभी जो इधर का रथ था वो बाकी से ज्वाइन नहीं हो सकता इसलिए ऊपर रफ आ जाएगा। जब रफ अगर तुम लोगों ने इसमें वर्ण में ध्यान दिया होता तो र जब पहले आता है जब वो ज्वाइन नहीं हो सकता तो वो रफर बन जाता है, अगर बाद में आता है तो हम उसको ऐसे लिख दे पैर तोड़ देते उस शब्द का अगर बाद में आएगा तो, पर इधर पहले आए तो वो ऊपर चला जाएगा उसके, इधर क्या आएगा पर ध्यान दे। अभी फिर से लिखेंगे पूरा अपना वर्ड बन जाता है, तुमको इतना सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ए वाला पार्ट ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है साधव की न विस्मरन्ति, मतलब जो सज्जन लोग हैं वो क्या नहीं भूलते, तो साधव अन्य न तेषुं कृतं उपकारं न विस्मरन्ति, मतलब जो साधव लोग सज्जन लोग हैं उनके ऊपर जो अन्य लोग होते हैं जो उपकार करते हैं उनकी मदद करते हो तो वो कभी भी वो भूलते नहीं, ना विस्मरण नहीं भूलते। नारिकेला किं स्मरन्ति, मतलब जो नारियल का पेड़ उसको क्या याद में रहता है, तो नारिकेला प्रथम वयसी पित्तम अल्पम जलम स्मरन्ति, मतलब स्टार्टिंग में हम जो उसको पानी देते हैं उसको वो याद में रहता है। फिर नेक्स्ट है नारिकेला भारम कुत्र वहति, कुत्र मतलब कहाँ, मतलब जो नारियल का पेड़ है वो भार कहाँ पे लेकर खड़ा होता है, नारिकेला शिरसि मतलब सिर पर भार लेके वो खड़ा होता है नारियल का पेड़। क्वेश्चन नंबर 7 है नरम किम छिंदति, मतलब जो मनुष्य को क्या काट देते हैं, नरम पटम छिंदति मतलब पटम मतलब कपड़ा। फिर है मनुष्य किम भिंदति, भिंदति मतलब फोड़ देना, मनुष्य क्या फोड़ते, तो मनुष्य घटा मतलब मटका, मटके को फोड़ देते हैं। तो अभी समार्थी वर्ड देखते हैं, फर्स्ट है विद्या तो उसको ज्ञान बोलते हैं बुद्धि, पशु मतलब प्राणी, चतुष्पाद भी एक समानार्थी वर्ड है पशु का। फिर धन मतलब पैसा, वित्त मतलब भी पैसा होता है। फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी को और एक वर्ड है समानार्थी श्री, श्री मतलब भी लक्ष्मी होता है संस्कृत में। फिर है शुक, शुक मतलब पोपट, तो उसको और एक वर्ड है कीरह। तुरगा मतलब घोड़ा, अश्व मतलब भी घोड़ा समानार्थी वर्ड। फिर है नभ, नभ मतलब आकाश अंबर, तो उसको संस्कृत में बड़े गगन। रवि मतलब सूर्य, तो उसको और एक बड़े भानु। फिर सहति मतलब इकट्ठा ग्रुप, तो संघ मतलब भी ग्रुप होता है। दंती मतलब हत्ती, तो हत्ती को और एक बड़े संस्कृत में गजह। तोयम मतलब पानी पीते जल, तो उसको जलम। शीला मतलब सर अपना, उसको संस्कृत में और एक बड़े मस्तकम। फिर है साधव मतलब अच्छे लोग, सज्जन मतलब भी अच्छे लोग। पटम मतलब कपड़ा, वस्त्रम मतलब भी कपड़ा। दासभ मतलब गधा, गर्धभ मतलब भी गधा, तो ये सब संस्कृत के समानार्थी वर्ड्स हैं। तो लास्ट है विद्यार्थी अपोजिट वर्ड्स, विदेश मतलब जो आउट ऑफ इंडिया जो देश है उसको विदेश बोलते हैं, परदेश, उसका विद्यार्थी शब्द है स्वदेश मतलब अपना देश। फिर है प्रच्छन्नम मतलब छुपा के रखना। फिर प्रकट मतलब सबके सामने आते हैं उसको प्रकट बोलते हैं। फिर है निंदन्तु मतलब बुराई करना, निंदा करना किसी की भी, फिर उसका अपोजिट वर्ड है सुगंध मतलब प्रशंसा करना, अच्छे ही। अल्पम मतलब थोड़ा सा, अनल्प मतलब बहुत सारा। फिर
उपकार मतलब किसी की मदद करना, अपकार मतलब जो किसी की मदद नहीं करते, साधव मतलब अच्छे लोग, दुजना मतलब पूरे लोग, रोहन मतलब चढ़ना और अवतरण मतलब उतरना। ये सब इस अपोजिट वर्ड की जो मीनिंग्स थे वो थे। तो जब भी हमने पूरा सूक्ति सुधा पढ़ा विद भाषा अभ्यास, तो इसको सिर्फ सुनकर छोड़ मत दो, इसका जो श्लोक है वो बाहर करते रहो, अच्छे से रट्टा मारो अच्छे से, कि पेपर में पूछा जाता है, और उसके जो भाषांतर है एक्सप्लेनेशन वो भी करते रहो, वो भी एग्जाम में पूछते हैं।